हमारा सरप्राइज। हेलो गाइस, और वहाँ पे दादू को चल रही है ड्रिप। मैं भी अभी मैं खा रहा हूँ आलू पूड़ी, क्योंकि मैं सुबह मम्मी को बोल के गया था। वेलकम टू जपनूर व्लॉग्स। हेलो गाइस, वेलकम बैक टू जपनूर व्लॉग्स। अब कैसे हो आपको? था बहुत अच्छे हो गए। तो गाइस, अब दिन की शुरुआत हो चुकी है, मेरे को नींद भी आ रही है। ये खाता रो रो, मेरे को नहीं जाना था इसको छोड़ने। और मैं नहा धो के हो चुका हूँ रेडी, सबको दिख रहा है। और आज सुबह मैं उठा था 6 o'clock बजे, क्योंकि मेरा मैथ का वर्क, जो मेरे को सैटरडे वाला वर्क मिलता वो मेरा पेंडिंग था, तो आज मैंने खोल के देखा तो इसलिए मेरा वो वर्क पेंडिंग था। तो अभी मैंने करा है वो वाला वर्क, आधा रह गया, आधा बच गया है जो कि मैं स्कूल पे करूँगा या फिर आके करूँगा, है ना। और मैं तो भूल ही गया था सैटरडे को हमने जाना है, तो इसलिए वो वर्क रह गया। और संडे को मैं जीके की तैयारी करके रह गया। देखो कितना बुरा हुआ ना मेरे साथ, है ना। तो चलो, पापा लेट हो गया बहुत ज्यादा, उसी के चक्कर में बहुत ज्यादा लेट चुका हूँ। और फिलहाल के लिए मैं अभी रेडी हो चुका हूँ टाइम पे, तो चलिए ना। गाइस, मौसम देखो कितना बढ़िया, और अभी हम निकल चुके हैं स्कूल जाने के लिए। और पापा जल्दी बताओ को छोड़ दिया स्कूल। सही में आज तो मेरे हाथ पैर ही पड़ गए थे, क्योंकि तो इसने पता क्या करा है, फ्राइडे को उसका मैथ का होमवर्क आया और इसने मेरे को बताया नहीं कि इसका होमवर्क आया। मैंने भी डायरी खोल के नहीं देखी, मेरे भी दिमाग से निकल गया। उसके बाद ना सैटरडे को इसका स्कूल था, ये भूल गया मेरा सैटरडे को स्कूल है, तो ये सैटरडे को स्कूल चला गया। उसके बाद हुआ क्या, सैटरडे का भी वर्क आ गया, फ्राइडे का जो मैथ का वर्क था वो भी था, ठीक है। और अब कल संडे था, तो कल ये जीके की तैयारी करने लग गया, पूरे से जीके की बुक करके मुझे दे दी, मैथ्स का होमवर्क किया ही नहीं, दो दिन का इकट्ठा हो गया। आज सुबह, कल रात को मेरे को कह रहा है मम्मा होमवर्क है मेरा मैथ्स का, मैंने कहा सुबह उठाऊंगी तेरे को। तो गाइस, मैंने इसको सुबह उठा तो दिया, और उसके बाद जब मैंने होमवर्क देखा तो दो एक्सरसाइज 5B और 5C दोनों। अरे कहना क्या चाहते हो? और ऊपर से डिवाइड के सम्स, इतनी मुश्किल। 7 बजे तक मैंने इसको आधा ही काम करवाया, उसके बाद मैंने इसको आधा काम स्किप करवा दिया जो कल मिला था सैटरडे को। अब कहता मम्मा स्कूल जाके करूँगा, या देखता हूँ मम्मा घर आके करूँगा। मतलब बेचारे इतने बच्चे परेशान हो गए हैं, स्कूल वालों ने इतना प्रेशर, इतना ज़्यादा प्रेशर है ना बच्चों पे, और इतना ज़्यादा सिलेबस आया गाइस, मैं आपको क्या ही बताऊँ। बेचारे बच्चे मुझे लगता है परेशान होने वाले हैं। मेरी ऐसी हालत हो गई है कि डुकू मेरे को बोलना शुरू हो जाते हैं, कौन सी ट्यूशन होती है 5-5 घंटे की, डुकू को बहुत गुस्सा आता है। पर यार मैं सीरियसली बताऊँ, मुझे ये होता है कि अगर सिलेबस अब आया है तो अब ये है स्कूल वालों से कोई आदमी इसको कर नहीं सकता, तो बेटर है यार करवा के भेजा जाए। तो मुझे होता सारे ही बच्चे करके जाए, तो मैं सभी बच्चों को बिठाई रखती हूँ 7-7, 8-8 बजे थे बच्चों को जाते हुए। तो बस हालत मेरी ख़राब है आजकल ना, बस मेरे ऐसे ही बहुत बिजी डेज आने वाले हैं। चलो कोई ना, मेरे ज़्यादा देर बैठने से अगर बच्चों के मार्क्स अच्छे आ जाए तो वो ज़्यादा बढ़िया है ना। तो चलो ठीक है फ्रेंड्स, अभी हम जा रहे हैं क्यों, अभी हम घर जाएंगे। ब्रेकफास्ट में बना चुकी हूँ डुकू, क्या बनाया मैंने, आलू पूड़ी। आपको कैसे पता, आप तो किचन में गए ही नहीं, रात को रात बोल के सोई थी अच्छी दिया। चलो ठीक है फ्रेंड्स, मिलते हैं आज से थोड़ी देर में। तो यहाँ पे मेरे लिए दूध भी बनाया जा रहा है, और सुबह सुबह मिल गई है मेरे को आलू पूड़ी। तुमने नहीं खानी, तुम पहले बनाओ उसके बाद खाना। हाँ, जप्पू भी लेके गया, जप्पू लेके गया ना, जप्पू की वजह से बोल जाता है हमें सुबह सुबह नाश्ता, है ना। हाँ, वैसे तो आपको नाश्ता मिलता ही नहीं था। पता नहीं। तो कल परसों किसी ने मैसेज भेजा था कि आप लस्सी पीते हैं दही क्या, तो मैं चॉकलेट शेक वगैरह पीता हूँ ब्रेकफास्ट के साथ में, लस्सी लुस्सी हम नहीं पीते। अब हलिन गई है किचन बनाने के लिए, यहाँ पे पूड़ियाँ मेरी आई हुई ठंडी हो जाएगी। चलो ठीक है गाइस, जब मैं खा लूँ फिर आपसे बात करते हैं, ये करेंगे, मैं तो फिर चला जाऊंगा। तो गाइज, अभी मैं नहा धो के हो चुकी हूँ रेडी, और जा रही हूँ जप्पू को लेने।
और आज जप्पू के लिए भी एक सरप्राइज है और आपके लिए भी एक सरप्राइज है। तो आपको तो मैं अभी दिखा देती हूँ कि क्या सरप्राइज है। जस्ट अ मिनट वेट। ये रहा हमारा सरप्राइज। हेलो गाइस, हेलो गाइस। हाँ आप क्या करने आए हो? जप्पू को लेने आए हो? तो गाइस जप्पू के लिए ये सरप्राइज है, वो खुश हो जाएगा, उसके पापा लेने आए उसको, है ना। चले टाटा बाय बाय। हाय हाय जप्पू, तेरे को कौन लेने आया? पापा ये आए। बोल कैसे रहा है फिर? पागल है। पागल है। मेरा भी यही लगा। क्या लगा? चल बैठ बैठ। चल बैठो। कट सही हो गया गाइस, एक न्यूज खबर ही आई है बार ये। कौन सी? मेरा कट। चलो डुगुल लड्डू बांटो। खत्म हो गया। चले पापा ऑफिस जा रहे हैं। बुलेट चल बैठ। इसे गाइस बुलेट बुलेट पे भी बैठा नहीं, बैठना नहीं आता इसको, बड़ा हो गया अब तो। घर रहा कर। चले टाटा बाय बाय जप्पू, जाओ तुम दोनों, मैंने नहीं जाना। तो गाइस अभी मैं आ चुका हूँ घर पे और मैंने कपड़े भी उतार लिए और दोबारा से पहन भी लिए हैं, पर मैंने पटका नहीं उतारा क्योंकि मैं अभी बना रहा हूँ रील। और वहाँ पे दादू को चल रही है ड्रिप ड्रिप और यहाँ पे ट्यूशन के बच्चे भी आ चुके हैं। तो लंच में भी अभी मैं खा रहा हूँ आलू पूड़ी क्योंकि मैं सुबह मम्मी को बोल के गया था, मम्मी मेरे को ब्रेकफास्ट भी आलू पूड़ी चाहिए और मेरे को लंच भी आलू पूड़ी चाहिए, डिनर तो कुछ और बनेगा ना, सब जगह आलू पूड़ी तो चलेगी। और साथ में पेप्सी भी आ चुकी है जो कि मेरे खुद की पैसों की है, मैंने खुद ही मंगवाई। यार मम्मी आपने क्यों नहीं लेके दी पेप्सी, बोलिए। सो गाइस अभी टाइम हो चुका है 8:05 और मेरी बिंदी भी फैल गई है। अभी टाइम हो चुका है 8:05 और मैं बहुत ज्यादा थक चुकी हूँ ट्यूशन पढ़ा पढ़ा के, क्योंकि बच्चे बेचारे पढ़ पढ़ के उनकी भी हालत खराब हो चुकी है। कोई डे आज का डे ऐसा था कि एक बच्चे को मैं काफी देर से लर्न करा रही हूँ, उसको बेचारे को लर्न ही नहीं हो रहा। गुस्से में एक आधा थप्पड़ भी लगाया कि मैं इतनी देर से बोली जा रही हूँ पर उसको लर्न नहीं हो रहा। पर यार बच्चे भी लिटरली बताऊं तो परेशान हो चुके हैं पढ़ पढ़ के। और यहाँ पे फोन किसका आ गया है? परी मोम का। हाँ जी पर सुपर रह गया, मैं दो मिनट दे दिया। गाइस परी की मम्मी का ही फोन था, उनका एक्चुअली पर्स रह गया था यहाँ पे और उनकी की भी पर्स के अंदर ही थी, तो फाइनली मैंने उनको पर्स दे दिया है। और बीच में ही मैंने पालक की सब्जी बनानी थी तो वो बेचारी परी की मम्मी आए हुए थे, उन्होंने पालक भी साफ कर दी। और यहाँ पे मैं पालक अभी बॉयल कर चुकी हूँ और यहाँ पर मसाला भी जो पालक का वो भूनने के लिए मैंने रखी थी। ओह माय गॉड मेरा हाथ जल गया। मैंने पालक का मसाला भी ऑलमोस्ट भून चुका है और डुगू आने वाले हैं, उनके आने से पहले पहले जो है सब्जी मेरे को तैयार करनी होती है, अदरवाइज ना वो आते ही चाहे खाना खाए ना खाए बट उनको सब्जी रेडी चाहिए होती है। उसके अलावा चाहे हम सब्जी बना के घर से बाहर चले जाए खाने खाने तब कोई दिक्कत नहीं है। वैसे तो हम आपको पता है रोज ही बाहर से खाना खाते हैं, पर वही है ना बनानी है क्योंकि उनको लंच लेके जाना होता है, तो कई बार मैं सुबह बना लेती हूँ, कई बार मैं शाम को बना लेती हूँ, मेरे मूड पर डिपेंड करता है ये सब कुछ। तो अभी फिलहाल जप्पू भी बैठ चुका है अपना होमवर्क करने के लिए, यहाँ पे कर रहा है जप्पू अपना होमवर्क, कंप्यूटर के 2 चैप्टर्स का बुक वर्क जप्पू लर्न कर चुका है। ओह माय गॉड मैं ऐसे व्लॉगिंग कर रही हूँ जैसे मेरे को ना किसी ने लेसन दिया और मैं वो लेसन पढ़ रही हूँ। सो गाइस मैं लेसन नहीं पढ़ रही हूँ, मैं व्लॉगिंग कर रही हूँ और हमारा मोटू यहाँ पर स्टडी कर रहा है। तो चलो ठीक है फ्रेंड्स, फटाफट से पालक को पीस लिया जाए और मसाले के अंदर मिक्स कर लिया जाए, डुगू आने वाले हैं, फिर हमने नीचे जाना है, पापा की एक्चुअली थोड़ी सी मेडिसिन खत्म हो गई है वो लेने और पनीर लेने। सो गाइस अभी डिनर हमारा लग चुका है और हम खा भी चुके हैं हद से ज्यादा, भूल ही गए थे। ये देखो डुगू ने तो खा ही लिया बिल्कुल। यस पालक पनीर की सब्जी यम्मी बनी है ना जप्पू? यस थोड़े से खत्म ही हो गए। हम डिनर कर चुके थे और फिर उसके बाद हमको याद आया, हे रब्बा हमने तो दिखाया ही नहीं हम डिनर क्या कर रहे हैं। खाना जप्पू यम्मी बना था, पालक पनीर की सब्जी अच्छी बनी थी, मजा आ गया, पेट भर गया, होमवर्क तो नहीं हुआ, एक नंबर होमवर्क भी एक नंबर होएगा। चलो ठीक है फ्रेंड्स मेरे इतने से राइस बचे हैं, मैं खा लेती हूँ। सो गाइस अभी हम नीचे ही है और हमने डिनर भी कर लिया है, नीचे ही सो गया क्योंकि दादू बोल रहे कि नीचे सो जाओ, मेरे को अकेले डर लग रहा है ना।
हाँ, तो इसलिए हम सहेंगे नीचे। तो एक मिनट दिखाते हैं। तो ये पफी हो चुकी है ऊपर, आपने ब्लॉग में देखा होगा कि पफी होती है यहाँ पे, लेकिन हमने इसकी जगह शिफ्ट कर दिया है यहाँ पे, सोफे के ऊपर रख दिया है। और ये सारा, और ये टेबल बाहर कर दिया। और ये जो आप देख रहे हैं सजावट, ये सारी सजावट। तो इसी के साथ इस वीडियो का मैं एंड भी कर देते हैं। तो हमारी आज की वीडियो, आज का ब्लॉग बस ये दिखेगा। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगे तो इस वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब बेल आइकन को जरूर दबाना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो नेक्स्ट ब्लॉग में। टाटा बाय बाय। आई विल सी यू नेक्स्ट ब्लॉग। इंस्टाग्राम पर फॉलो कर लो, लिंक इन डिस्क्रिप्शन। टाटा बाय बाय। थैंक्स फॉर वॉचिंग। आई विल सी यू नेक्स्ट ब्लॉग। टाटा बाय बाय। Thanks for watching. I will see you next vlog. Tata bye bye.